वंस अगेन वेलकम बैक। देखिए ये आपको लग रहा होगा मैं शायद किसी का एटीएम कार्ड दिखा रही हूँ या हो सकता है मैं अपना क्रेडिट कार्ड दिखा रही हूँ। नहीं, ये मैं कार्ड दिखा रही हूँ नसरीन बीबी का, जिनके शौहर का नाम है नासर हुसैन, जो रहती हैं जिला ठट्टा में, और उनका ये बेनजीर शहीद वुमेन सपोर्ट प्रोग्राम का ये कार्ड है, जो ऐसे ही कार्ड आपका भी बन सकता है और इसके जरिए ये सिंध में, ऑब्वियसली इस वक्त जो हम बात करेंगे इस प्रोग्राम की वो सिंध के हवाले से ही बात करेंगे। एक ऐसा प्रोग्राम वैसे भी नेशनल लेवल पे भी लॉन्च हुआ है, लेकिन इस वक्त चूंकि हम प्रोविंशियल लेवल की बात करेंगे, हमारे साथ मिनिस्टर साहिबा मौजूद हैं जो कि मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेयर चेयरपर्सन SBWSP हैं, नागे सैंडी खान साहिबा हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो साहिबा। ठीक ठाक आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। थैंक यू वेरी मच आपके यहाँ आने का। और हम अब बता देते हैं कि शहीद बेनजीर वुमेन सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो है क्या, बल्कि आपसे ही पूछ लूंगी। और अब जो हमारे पास अस्मा कॉल्स आएंगी वो हम वो वाली कॉल्स लेंगे जिन जो ये चाहती हैं खवातीन कि जिनको मंथली स्टाइपेंड मिलता रहे, और मंथली स्टाइपेंड मिलेगा अगर आपके पास ये ऐसा कार्ड होगा बैंक से जाके, फिर आपका प्लस आपको कितने फायदे होंगे ये हम खुद मिनिस्टर साहिबा से पूछते हैं। मिनिस्टर के लिए ये इस पर कितने पैसे मिलेंगे और ये किन खवातीन को, कौन सी खवातीन एलिजिबल होंगी? लेकिन शायस्ता ये हमने सिंध की लेडीज़ के लिए जो रेसिडेंट्स हैं सिंध की उनके लिए बेसिकली ये प्रोग्राम शुरू किया है, जस्ट लाइक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो फेडरल लेवल पे शुरू हुआ है, हमने उसी तरह का ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है सिंध की खवातीन के लिए। क्योंकि आपको पता है 5 लाख खवातीन, आपको पता है सिंध में बड़ा पसमानगी है और जाहिर है यहाँ की खवातीन जो है हमेशा से महरूमियों का शिकार रही है, तो यहाँ हमारे हमने भी इसीलिए छूलो आसमान शुरू किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं देख सकती हूँ। अच्छा, तो इसमें हमने जो है 5 लाख खवातीन के लिए ये प्रोग्राम अभी इनिशियली शुरू किया है, और ये थ्रू MPS जो है आइडेंटिफिकेशन होगा इनका, ठीक है, और वो ही इसको जो है एंडोर्स करेंगे। और इसमें एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो है कि जिनको सुबह सिंध में रहने वाली खातिन, सुबह सिंध में पहले नंबर पे, फिर उसके बाद ये है कि उम्र की हमने कोई कैद नहीं रखी है इसमें, और फिर उसमें ये है कि उनको इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं मिल रहा हो, फिर उनका पास मशीन रीडेबल पासपोर्ट ना हो, उनके पास ओवरसीज का कार्ड ना हो, नेशनल ID कार्ड ना हो, कोई बैंक के ऐसे ना हो, अकाउंट होल्डर ना मतलब हो, मतलब वो अकाउंट होल्डर भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और इस अगर ये कार्ड बन जाता है उसका तो वो जाकर बैंक पे कार्ड दिखाएगी और उसको पैसे मिल जाएंगे? अभी ऐसे नहीं, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, उसमें फिर ये है कि ये तमाम चीजें उनका कोई जो है गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट से जो है उनको कोई फंड ना मिल रहा हो, उनको कोई मुलाजमत ना हो उसमें, तो उन लोगों के लिए 6000 से कम आमदनी वाली, उनके घर में 6000 से कम, बिल्कुल 80 गज से ज्यादा का घर उनके पास पोजेस ना कर रही हूँ, ये उन बेसिकली उन लोगों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लेवल पे है उनके लिए। और उसका तरीकाकार हमने बहुत ही शफाफ रखा है, अब जब ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो फिर ये फॉर्म वो जाहिर रिटर्न करेंगी अपने MPA को, और MPA जो है वो ये हमें हमारे ऑफिस में देंगे। ये हम जो है थ्रू नादरा, थ्रू इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो फेडरल लेवल पे वो, ठीक है, फिर जो हमारा स्टीयरिंग SPU है, जो हमारा ये यूनिट है, सही है। इसका उस प्रोग्राम का, हाँ, तो वो हम सब वेरीफाई करेंगे उसको। अच्छा, और वेरिफिकेशन के बाद बिल्कुल जो एलिजिबल, अगर आप अप्रूव कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं तो 1000 रुपीज मंथली जो है हमने रखा बंदी है, को मिलेगा, हाँ, हर खातून को मिलेगा, और वो क्वार्टरली मिलेगा, 3 महीने का। अच्छा, पहला जो हम शुरू करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि जब ये बन गया तो उनका कार्ड बन जाएंगे, इमीडिएट कार्ड बन गए। अच्छा, बैंक के थ्रू ये सारी उनके, हाँ, कार्ड बन गए। अब ये कार्ड बन जाएगा, इनके पर इनका एक इनको कोड एक नंबर दिया है, इसमें, हाँ, आप देखेंगे तो EMIS नंबर है जी, तो वो नंबर इनका हो जाएगा। इस पे एक नीचे आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा होगा, पीछे बार कोड, बार कोड जो है आप देखेंगी तो उसमें वो भी, मतलब फर्दर कोई अगर हमारा प्रोग्राम शुरू होते हैं ये वहाँ काम आएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस या इस तरह के प्रोग्राम के लिए, फर्दर प्रोग्राम। अच्छा, ये और इसमें ये है कि जैसे ही इनको ये कार्ड मिलेगा, इसके साथ फर्स्ट
इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी जो हमने दो इंस्टॉलमेंट से मुश्तमिल रखी है, यानी 6,000 रुपीज़ अक्टूबर से शुरू हो जाएगा इनका इस साल के, और ये मार्च तक का इनको दो किस्तें मिल जाएंगी एकदम से। हाँ, दो क्वार्टर्स की मिल जाएंगी। ये ले जाएंगी उसको बैंक में, इस पे उस चेक पे इनका बैंक का वो मिले अकाउंट और प्लस उसका जो है कहाँ इनकी ब्रांच है वो उस पर शनाख्त होगा। उस बैंक में जाएंगे एक साथ मिल जाएंगे बिल्कुल, और ये उस बैंक में जाएंगी, ये कार्ड लेके जाएंगी, इमीडिएट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके शी विल बी अकाउंट होल्डर। ठीक, सबसे बड़ी इसकी बात ये है कि इसमें ये अकाउंट होल्डर खुल जाएगा, अकाउंट खुल जाएगा, इसमें कोई जरूरत नहीं है कोई गारंटी की, कोई किसी चीज की, कोई पैसों की कि आपके पास पैसे हो इतने तो फिर आप अकाउंट खोलो, नो। और इस कार्ड की मदद से वो खवातीन भी फायदा उठा सकती हैं जिनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ। सबसे बड़ी बात ये नहीं, शनाख्ती कार्ड बनाना है इसमें देखें, सबसे बड़ी एक चीज ये है कि एक तो अकाउंट होल्डर होंगे, आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो इंसेंटिव मिल रहा है आपको, आप अपना जल्द शनाख्ती कार्ड बनाएं। अच्छा, ताकि आपको भी जो है इसमें शामिल हो जाए इस प्रोग्राम में और आपके पास फिर ये कार्ड मिलेगा आपको। राइट, अगर मतलब एलिजिबल है आप। सही है, सही। अच्छा, मैं अपने मास्टर कंट्रोल रूम में बता दूं कि आप लोग अब कॉल करेंगे और अगर आपको ये कार्ड बनवाने हैं, आप समझते हैं या किसी और के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप खुद जो कॉल करें, अपनी आपकी मेड्स देखनी होती हैं, आप घर में सब प्रोग्राम देख रही हैं उनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी हमें अपना जो एक नंबर कॉन्टैक्ट नंबर वो मास्टर कंट्रोल रूम में लिखवाएं। ये जो फॉर्म है ये फिल करना पड़ता है इस के लिए, इसमें उनकी एक तस्वीर की जरूरत होती है और आईडी कार्ड की जरूरत होती है। अच्छा, अब मैं आपको इसका एक छोटा सा चीज बता दूं कि वो लोग जो हमें अपने किसी जानने वालों के लिए या खुद अपने लिए कॉल करेंगे और कराची में रहते होंगे उन्हें हम पूरे सिंध के लिए कॉल, जी जी मैं आपको बता रही हूँ, तो वो कराची में जो रहते होंगे वो हमारे ऑफिस आके, ये गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के ऑफिस में ये फॉर्म्स मौजूद होंगे, आपको अब अभी नंबर लिखवाएं अपना, आपको बताया जाएगा कि आप अपनी आईडी कार्ड की कॉपी और एक तस्वीर लेकर आए, हम आपको यहाँ से ये फॉर्म फिल करके फिर भेजेंगे मिनिस्टर साहिबा के ऑफिस। अच्छा, दूसरी बात, जो कराची के अलावा सिंध के बाकिया इलाके हैं वहाँ से आप हमें सिर्फ अपना नंबर लिखवा सकते हैं, आपके नंबर हम इनके ऑफिस में दे देंगे और इनके लोग आपसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे। इसको मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, क्योंकि ये हमने पूरे सिंध के एमपीएस को दिए हैं, 168 एमपीएस को, ठीक है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, इस पे पीएस नंबर भी लिखा होगा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का। अच्छा, अपने वो जो भी मतलब उनका एमपीए है उससे वो ये हासिल कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये हमने हर यूसी लेवल को कहा है कि तमाम यूसी को इक्वली कवर्ड कर दो। ओके, तो तमाम डिस्ट्रीब्यूशन ताकि हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। हमने सारे एमपीएस को ये फॉर्म दे दिए हैं। अच्छा, तमाम सिंध के, और इसके लिए ये है कि हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा कि पीपल्स पार्टी का एमपीए हो, हमने जो भी पार्टीज मौजूद है हमारी सिंध में उन सबको लिए है ये जो एमपीए। राइट, तो फिर तो ये तो बड़ा आसान हो गया। हाँ, बिल्कुल, के बड़ा रीचेबल हो गया। बिल्कुल। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि कॉल्स लेते हैं और कॉल्स के साथ आजकल आज हमारे बड़े सारे टॉपिक्स, हम बात कर रहे थे कि जॉइंट फैमिली में एक जो काम करने वाली औरत होती है उसको क्या प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आई थिंक पहले हम कॉल ले लेते हैं, उस पे देखते हैं किसकी कॉल है। नजमा, हेलो। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है नजमा आपके? जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप ठीक हैं? खैरियत, कहाँ से बात कर रही हैं नजमा? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। ये सारे लोग क्यों नाराज जैसे आ रहे हैं? मैं आपकी एक साल से मैं आपकी कॉल मिला रही हूँ, एक साल से आज तक मेरी कॉल नहीं लगी, आज तक। आज लग गई, देखो आज लग गई है। आज पता है वो बाजी के नाम मुझे नहीं मालूम, उनकी वजह से मेरी फोन लग गई है। अच्छा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ, बताएं। वो पहली बात तो ये है कि जो लड़कियाँ पढ़ी लिखी नहीं होती है, क्या ये फॉर्म उनको मिल सकती है?